ओके बेटा, टुडे वी विल डिस्कस एंड स्टडी अबाउट द SQ3R. दिस इज योर टॉपिक SQ3R. व्हाट वी स्टडी इन दिस टॉपिक SQ3R रीडिंग मेथड. SQ3R इज अ सर्वे, क्वेश्चनिंग, रीड, रिसाइट एंड रिव्यू. S stand for survey, Q stand for questions, 3R means 1R represent and stands reading, the second recite, the third R stand for review. Today I will describe about the SQ3R importance and when we apply SQ3R technique in reading. Some writers give his opinion about it according to Victonary. Reading, the process of interpreting written language symbol or sign, academic setting, a learning context. How? सबसे पहले SQ3R को हम लोग study करें. हमें पहले ये इल्म होना चाहिए कि reading क्या है. हम कहते हैं reading करें, reading है क्या? ये एक process है जिसमें एक रिटन लैंग्वेज को हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं. सिंबल्स होते हैं उसमें, साइन होते हैं जो कि हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्रॉस का साइन है वो आपके सामने आता है तो वो भी आपसे कम्युनिकेट कर रहा है. कैसे? कि क्रॉस मींस नॉट, फिनिश, एंड. इसी तरह टिक का साइन आप लोगों को के सामने रखा जाता है तो ये रिप्रेजेंट कराता है कि इट्स गुड. और अगर स्केलेटन का और उसके आगे क्रॉस का हो तो इट शोज द डेंजर. इसी तरह जब रेड कलर आपके सामने रखा जाता है या रोज, रेड रोज, तो आप लोग समझ जाती हैं इट्स अ सिंबल ऑफ लव, अफेक्शन, इमोशंस, सेंटिमेंट्स. तो बेटा इसी तरह जो रीडिंग है वो भी एक प्रोसेस है जो कि लैंग्वेज लिखी जाती है. वो लैंग्वेज सिंबल में भी हो सकती है, साइंस में भी हो सकती है. यू नो देयर आर टू मेन वेज ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल एंड नॉन वर्बल. Verbal way of communication is that in which we use words, and non-verbal communication way is that in which we use our expression, sign, symbols, and body language also. तो सबसे पहले ये है कि हमें थोड़ा सा रीडिंग का, हम लोग रीड क्या कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक कोई आर्टिकल है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था क्योंकि हम लोग ये टेक्निक्स को पढ़ रहे हैं, रीडिंग टेक्निक्स को. लास्ट टाइम हमने स्कीमिंग एंड स्कैनिंग पढ़ा था, अब हम SQ3R पढ़ रही हैं. तो इसमें जो रीडिंग है इट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. जब हम लोग कॉम्प्रिहेंशन स्टडी करते हैं तो इसमें डिफरेंट फैक्टर्स जो होते हैं हम लोग देख रहे होते हैं कि वो जो आर्टिकल हम रीड कर रहे हैं उसमें टाइटल भी है, सब टाइटल भी है, मेन हेड था उसकी, हेडिंग्स भी है, सब हेडिंग्स भी है. इसके अलावा उसमें सिंबल्स है, साइन है, ग्राफ्स है. तो ये चीजों को हम लोग वॉच आउट करते हैं और उसके थ्रू हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे होते हैं
कि हाँ इस पैराग्राफ में या इस कॉम्प्रिहेंशन में ये चीजें जो है इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इफेक्टिव रीडिंग, कैसी रीडिंग होती है। रीडिंग तो हम लोग कर लेते हैं, रीडिंग करने के बाद हम लोगों से पूछा जाता है कि क्या पढ़ा, हम कहते हैं कि सर के ऊपर से गुजर गया। मैम आवाज ठीक नहीं आ रही। अब आ रही है, अब आ नो रही है मैम। बेटा, अब मैम मैम इको आ रही है, इको ज्यादा आ रही है। अच्छा अब आ रही है, अब आ रही है बेटा। मैम हमें तो आ रही है, पहले से भी आ रही थी, पहले भी आ रही थी, सही थी। अच्छा इफेक्टिव रीडिंग के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ पहले भी और अब भी मैं करती हूँ कि इफेक्टिव रीडिंग क्या है। जब हम लोग कुछ चीज को रीड कर लेते हैं और फिर हमसे पूछा जाता है कि आपने क्या पढ़ा, तो हम कहते हैं वो तो सर से गुजर गया, हमें तो कुछ समझ नहीं आया। तो इफेक्टिव रीडिंग वो होती है जो हम फुल कंसेंट्रेशन से, अपनी अफेक्शन से, डेडिकेशन से स्टडी करते हैं, तो उस रीडिंग को इफेक्टिव रीडिंग बोलते हैं। और उसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें इफेक्टिव रीडिंग की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस, यू आर वॉचिंग ऑन योर स्क्रीन ऑल्सो। Grasping words from reading material with sufficient speed. ये मैंने आपको स्कीमिंग में बताया था कि हम लोगों ने जस्ट वर्ड्स को कलेक्ट करना है कि कौन से इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि हमें पूरे पैराग्राफ का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। फिर अंडरस्टैंडिंग कोनोटेशंस and the literal meanings of various denotations. Beta, words se suniyega, connotation and denotation, ye do words hain. Connotations means ke according to context, atmosphere, jo hum log meanings lete hain. Denotations wo words hote hain jo ke डिक्शनरी के वर्ड्स होते हैं, डिक्शनरी मीनिंग्स होते हैं। कोनोटेशंस वर्ड्स वो होते हैं जो हम सिचुएशन के मुताबिक लेते हैं। हम किसी फॉर एग्जांपल पार्टी में बैठे हैं या हम किसी फंक्शन में बैठे हैं, हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ वहाँ पे गर्ल्स का ग्रुप बैठा हुआ है तो हम लोग कह रहे होते हैं वो बहुत खाखा खाखा खिखी खिखी करके हंस रही हैं, एक दूसरे का मजाक कर रही हैं और चोर नजर से इधर उधर भी देख रही हैं, तो हम लोग कहते हैं कि कुछ लोग वहां पे बैठे जो जेलसी फील कर रही है, क्या बकवासबाजी कर रही है। तो वो कहते हैं ये लड़कियां कितनी खूबसूरत लग रही है, कितने अच्छे अंदाज से बात कर रही है। तो दिस इज नॉट इनर मीनिंग, ये कोनोटेशन वर्ड्स उसने यूज किए, इसके पीछे मीनिंग्स और हैं। जो वो शख्स जेलसी फील कर रहा है, लेकिन अगर आप ब्यूटीफुल जो उसने वर्ड यूज किया, दे आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल के डेनोटेटिव मीनिंग्स जो हैं डेनोटेशन में अगर आप जाएं, उनके जो वर्ड्स में है उसको मतलब वाकई में खूबसूरत होना है। लेकिन आपने उस सिचुएशन में, पार्टी में, फंक्शन में, वो थोड़ी सी जो थी चंचल हसीनाएं बन रही थी, तो आपने उनके लिए ब्यूटीफुल का वर्ड यूज किया, तो ऐसा वर्ड। मैम आप जी बेटा, हेलो, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक थी, अब आ रही है। मैम लग रहा है खाली कमरे में क्लास में, ठीक है ना, तो वो इको गूंज के आ रही है और अड़ के आ रही है। ठीक है बेटा, अब देखें अब आ रही है आपका आवाज। मैम आवाज पहले, अब आपको ईगो नहीं आएगी, आ रही है। हेलो, ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे कोनोटेटिव और डेनोटेटिव वर्ड्स की। तो कोनोटेटिव वर्ड्स आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू circumstances, according to context, or denotative words are those words